हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। विरुष्का की शादी इस समय देश की सबसे हॉट न्यूज बनी हुई है, और बने भी क्यों ना। एक तरफ जहां हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा है। इनकी शादी हो या फिर इनका रिसेप्शन, इनके लुक की चर्चा हर तरफ हो रही है। शादी में जहाँ ये दोनों पिंक कलर में नजर आए, तो वहीं अपने रिसेप्शन के दौरान दोनों रॉयल लुक में दिखे। हाल ही में दिल्ली में हुए उनके रिसेप्शन पार्टी में सबका ध्यान अगर किसी ने खींचा तो वो थी अनुष्का की लाल बनारसी साड़ी। जी हाँ, एक तरफ लोगों को अनुष्का जहाँ इस साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आई, तो वहीं कई लोगों ने इस साड़ी को दीपिका के साड़ी से कंपेयर भी किया। खैर, बात जो भी हो, लेकिन पूरी शादी के दौरान अनुष्का बेहद खूबसूरत नजर आई है। और सिर्फ उनका वेडिंग आउटफिट ही नहीं, बल्कि उनका हेयर स्टाइल भी काफी चर्चा में रहा। जी हाँ, पूरी शादी और रिसेप्शन के दौरान अनुष्का का हेयर स्टाइल काफी सिंपल और सोबर नजर आया। रिसेप्शन के दौरान अनुष्का लाल साड़ी में थी और उनके बाल पूरे पारंपरिक तरह से बने हुए थे। उनके हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया कि अनुष्का सरल, सुंदर और पारंपरिक दिखना चाहती थी, इसलिए रिसेप्शन के लिए उनके बालों के बीच सिंदूर और जूड़े के साथ गजरे वाला रूप दिया गया। उनके हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया कि बहुत से राजनेता, गणमान्य व्यक्ति और परिवार के साथ रहने की वजह से उन्होंने इस गंभीर लुक को अपनाया। गजरा भारतीय परंपरा को दिखाता है और दुल्हन हमेशा इस स्टाइल में बेहद सुंदर नजर आती हैं। शायद इसीलिए अनुष्का ने अपने बालों के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। और सिर्फ रिसेप्शन ही नहीं, बल्कि वो अपनी सगाई, मेहंदी, यहाँ तक कि शादी में भी बेहद सिंपल हेयर स्टाइल में नजर आईं। अनुष्का शर्मा ने अपनी सगाई में ब्राउन वेलवेट साड़ी पहनी हुई थी, जिसके साथ भारी गहने और नॉर्मल बन हेयर स्टाइल था, और बन को आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने उसमें लाल फूल लगा लिया था। तो वहीं अपनी मेहंदी सेरेमनी में नॉर्मल हेयर स्टाइल किया हुआ था। मिडिल पार्टिंग के साथ उन्होंने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। शादी में भी रिसेप्शन की तरह ही अपने बालों के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बस सिंपल जूड़ा बनाया और उसे फ्रेश गुलाबों से सजा दिया। तो पूरी शादी के दौरान अनुष्का ने अपने बालों के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बल्कि सिंपल और सोबर लुक अपनाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।